यॉर्क मैक्स ई स्क्रू लिक्विड चिलर जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। अब यॉर्क नाम काफ़ी बड़ा है क्योंकि आपको इंडस्ट्रियल लेवल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यॉर्क चिलर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा भी होती है और ये काफ़ी ज़्यादा इफ़िशेंट भी होते हैं। और इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके डिस्प्ले और पैरामीटर्स के बारे में। अगर आप जानते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर जो नहीं जानते हैं, आप नए हैं, अगर सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल का, ऑपरेटिंग लेवल का कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। बट उससे पहले हमको जितने भी पार्ट्स हैं उनका एक छोटा सा ओवरव्यू लेना होगा, क्योंकि यही पार्ट्स आपको अभी चिलर के डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेंगे। इस चिलर के अंदर आपको एक ऑयल सेपरेटर देखने को मिलता है, स्टार्टर देखने को मिलता है, स्टार्टर जो कि मोटर को कंट्रोल करता है कंप्रेसर की, कंप्रेसर, उसके बाद इवेपोरेटर, कंडेंसर, जो बेसिक लेवल पर हर चिलर पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सामने आप ये देख पा रहे होंगे ऑप्टिक व्यू कंट्रोल सेंटर, जहाँ पर आपको इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर है वो देखने को मिलती है और डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलती है, जो कि आप आगे चल के भी देखने वाले हैं। ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये इसका डाटा है जो कि अगर आप देखना चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो जैसे मैंने बोला, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बेसिक लेवल का ही बताऊंगा। अगर आपको एडवांस जानना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी होती है आपको? मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये पैनल है जिसके अंदर आपको एक माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम पीसीबी भी कह सकते हैं, सामने आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर में ये सारी पीसीबी हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं से सेंसर कनेक्ट होते हैं और यहाँ से एक केबल आप देख पा रहे होंगे आगे की तरफ जा रही है और ये आगे आपकी लगी है डिस्प्ले, और इसी डिस्प्ले में जितने भी पैरामीटर्स हैं वो आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसके थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी डिस्प्ले के बारे में और पैरामीटर्स के बारे में। तो चलिए फ़िलहाल अब बात कर लेते हैं इस यॉर्क चिलर की, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आप चिलर को सप्लाई देते हैं तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन या लेआउट आपको देखने को मिलती है, जो कि है इस होम स्क्रीन लेआउट, और इसके अंदर सारी कॉमन और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है आपको। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम का स्टेटस कि रनिंग कंडीशन में है, स्टॉप में है, और उसके बगल में आपको देखने को मिलेगा टाइम, डेट, कंट्रोल सोर्स, एक्सेस लेवल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उसी के नीचे मोटर की कंडीशन यानी कि फुल लोड एम्पियर, ऑपरेटिंग आवर, मोटर रनिंग कंडीशन में है, स्टॉप में है, और नीचे आपको देखने को मिलेगा चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर, लिविंग और रिटर्न दोनों का टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेटर में आने वाला पानी, निकलने वाला पानी, उनका तापमान देखने को मिल जाता है। उसके बगल में जो कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर है, लिविंग और रिटर्न दोनों का टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे नीचे जो की आप देख पा रहे हैं ये शॉफ्ट की हैं, इनको आगे चल के मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर एक बड़ी सी मास्टर की या टोगल की मिल जाती है, जो कि आप स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज़ करते हैं, रीसेट के लिए भी यूज़ करते हैं। ऊपर की तरफ नंबर की आपको देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप सेट पॉइंट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से सॉफ्ट की हैं, जिसमें आपको सिस्टम, इवेपोरेटर, कंडेंसर, कंप्रेसर, ऑयल सम्प, मोटर, सेट पॉइंट्स और हिस्ट्री जैसे आइटम देखने को मिलते हैं। सारी चीज़ें भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आराम से। होम स्क्रीन की लेआउट के अंदर आपको वो चीज़ें देखने को मिलती है जो कि आपको बार बार चिलर के अंदर देखना होता है। आप जाएंगे हम सिस्टम स्क्रीन लेआउट के अंदर, जो कि आप ये सामने देख पा रहे हैं। इसमें एक खास बात यह है कि आपको इसके अंदर एनिमेशन भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है डिस्चार्ज टेम्परेचर, फुल लोड एम्पियर, करंट, लिमिट सेट पॉइंट, और उसी के नीचे आपको देखने को मिलेगा चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर, लिविंग, रिटर्न और सेट पॉइंट। तीनों टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाते हैं चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर के। तो यहाँ पर जो स्क्रीन है उसके ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिलते हैं यॉर्क चिलर के अंदर। यहाँ पर कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर, लिविंग, रिटर्न दोनों देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ कंडेंसर प्रेशर, कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर आपको अच्छे से देखने को मिल जाता है। उसी के बगल में आपको देखने को मिलेगा इवेपोरेटर प्रेशर और इवेपोरेटर सैचुरेशन प्रेशर। तो होम स्क्रीन की लेआउट और सिस्टम की स्क्रीन की लेआउट, इसमें आपको कॉमन चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि आपको बार बार देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा होम स्क्रीन और सिस्टम स्क्रीन के बारे में। अगर आपको वापस से किसी दूसरे आइटम पे जाना है तो आपको क्या करना होगा, जो सबसे ऊपर होम वाली की है ये वाली, इस पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप किसी भी आइटम पे जा सकते हैं। इवेपोरेटर के सिस्टम के नीचे, सॉरी, इवेपोरेटर वाला आपको लेआउट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इवेपोरेटर की डिटेल है, जिसमें आपको लिक्विड का, लिविंग और रिटर्न का टेम्परेचर, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, इवेपोरेटर प्रेशर और उसके साथ सैचुरेशन टेम्परेचर, फ्लो स्विच की कंडीशन, लिक्विड पंप जो है उसकी कंडीशन क्लोज्ड है या ओपन है या स्टॉप है या रनिंग कंडीशन में है, वो देखने को मिल जाता है। उसी के साथ लिविंग चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर सेट पॉइंट देखने को मिलता है आपको, रिमोट की रेंज,
आपका सट डाउन रेंज देखने को मिलती है, रीसेट की आपको रेंज देखने को मिल जाती है। ये सेट पॉइंट की रेंज है किस कंडीशन में क्या होने वाला है। तो यहाँ तक एवेपोरेटर स्क्रीन के बारे में। आप वापस से होम में क्लिक करके हम आएंगे नीचे की तरफ, और नीचे आपको देखने को मिल जाता है कंडेंसर का सॉफ्ट की। अब इसको क्लिक करने के बाद आपको कंडेंसर की सारी डिटेल देखने को मिल जाती है, खास करके वाटर का टेम्परेचर जो कंडेंसर में जा रहा है और कंडेंसर से बाहर निकल रहा है। उसके बाद सैचुरेशन टेम्परेचर देखने को मिलता है, स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है जो कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट है और कंडेंसर से बाहर जाने वाला पानी का टेम्परेचर उसके बीच का डिफरेंस है। कंडेंसर प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है किस कंडीशन का है। ये सारी चीज़ें आपको कंडेंसर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अगर आपको देखनी है तो आप कंडेंसर पर क्लिक करिएगा, उसके बाद आप यहाँ आके कंडेंसर के बारे में देख सकते हैं। उसी के साथ हाई प्रेशर स्विच की कंडीशन क्लोज्ड है, कंडेंसर लिक्विड फ्लो स्विच की कंडीशन, और जो लिक्विड पंप है कंडेंसर स्टॉप कंडीशन में। अभी कुछ नहीं चल रखा है इसलिए यहाँ पर स्टॉप दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें भी देखने को मिल जाती है। खास बात यह है यहाँ पर जो सेंसर की कंडीशन है वो भी आपको देखने को मिलेगी। जो आपने अभी यहाँ पर देखा लिक्विड फ्लो स्विच क्लोज कंडीशन में था, तो वो एक खास बात यॉर्क चिलर में देखने को मिलती है या डिस्प्ले में देखने को मिलती है। अब यहाँ कंडेंसर हमने देख लिया, एवेपोरेटर सिस्टम देख लिया, अब आता है कंप्रेसर जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंप्रेसर पे आपके सॉफ्ट की पे क्लिक करना है, और कंप्रेसर की जितनी डिटेल है वो आप सामने देख पा रहे होंगे, ये एनिमेशन के थ्रू देख पा रहे होंगे, वो खास बात है इसकी। तो सबसे ऊपर आपको डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, डिस्चार्ज सुपरहीट, लो सुपरहीट इवेंट्स, लो सुपरहीट रन टाइम देखने को मिलता है। इतनी चीज़ें आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती है, जो कि है प्रेशर टेम्परेचर जितना है कंप्रेसर से रिलेटेड वो देखने को मिल जाता है। ऑयल भी कंप्रेसर का एक हिस्सा है, क्योंकि ऑयल जो कंप्रेसर है उसमें ऑयल सब भी आपको देखने को मिलता है, वो अलग से अभी आप देखेंगे, बट ऑयल का जो आपको डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर है वो यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको ऑयल रिटर्न सोलेनॉइड वाल्व लिक्विड इंजेक्टर का साइन देखने को मिल जाता है। तो आप इन पार्ट्स के सामने एक छोटा सा सर्कल देख पा रहे होंगे, ऑयल रिटर्न सोलेनॉइड वाल्व और लिक्विड इंजेक्टर के सामने। तो जब ये रनिंग कंडीशन में होते हैं तो ये ग्लो कर रहे होते हैं। तो कंप्रेसर के अंदर जितने पार्ट्स थे हमने डिस्कस कर लिए हैं, जितने भी पैरामीटर्स थे वो डिस्कस हो गए हैं। अब वापस से हमें दूसरे आइटम में जाने के लिए होम पे क्लिक करना होगा, और होम पे क्लिक करने के बाद कंप्रेसर के नीचे आपको देखने को मिलता है ऑयल सम्प, जो कि कंप्रेसर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो कि आप ये सामने ग्राफिक देख पा रहे हैं या एनिमेशन देख पा रहे हैं, ये आपका ऑयल सेपरेटर का है। इसमें आपको देखने को मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड पे ऑयल प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर। इतनी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलती है, उसी के बाद आप राइट हैंड साइड में अभी देखने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है मैंने जैसे बताया ऑयल सेपरेटर स्क्रीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑयल प्रेशर, डिफरेंशियल फिल्टर प्रेशर, इवेपोरेटर प्रेशर, कंडेंसर प्रेशर और डिस्चार्ज सुपरहीट टेम्परेचर देखने को मिल जाता है। तो इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी आपके ऑयल सेपरेटर स्क्रीन लेआउट के अंदर। तो यॉर्क चिलर की एक खास बात मैंने आपको जैसे अभी बताई थी कि इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिलता है हर एक पार्ट का। नीचे आप ऑयल रिटर्न सोलेनॉइड वाल्व और लो सेपरेटर ऑयल का ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो इस इंटरफेस से बाहर निकलते हैं, वापस से होम वाले की पे क्लिक करना है। अगर आप मोटर के बारे में जानना चाहते हैं तो मोटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके अंदर आपको मोटर की जितनी भी कंडीशन है वो सारी दिख जाएंगी। इसके अंदर आपको स्टार्टर जो देखने को मिलता है वो है इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टार्टर। स्टार्टर काफ़ी अलग अलग हो सकते हैं यॉर्क चिलर के अंदर। उससे पहले आप बात कर लेते हैं इसके कंडीशंस के बारे में, इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उसके बारे में। लोकल मोटर करंट लिमिट, पुल डाउन डिमांड लिमिट, उसके नीचे पुल डाउन डिमांड टाइम आपको देखने को मिल जाता है, इतने पैरामीटर्स हैं। उसके नीचे जो पैरामीटर्स हैं वो हैं फुल लोड एम्पियर परसेंटेज में, करंट लिमिट सेट पॉइंट वो भी परसेंटेज में देखने को मिलती है, मोटर टेम्परेचर स्विच क्लोज्ड कंडीशन में है क्योंकि ये अभी चिलर बंद है, मोटर रन अगर ये चल रहा होगा तो वहाँ पर लाइट ग्लो करती है। तो इतने पैरामीटर्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। चेंज सेट पॉइंट, अगर सेट पॉइंट्स आपको चेंज करना है वो आप कर सकते हैं, बट उससे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया इसके अंदर आपको अलग अलग स्टार्टर देखने को मिलते हैं, और वो स्टार्टर क्या कराते हैं, मोटर को रनिंग कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टार्टर आप सामने ऊपर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे देखने को मिल जाता है, ये उसी का लेआउट था। वापस से होम वाले की पे प्रेस करने के बाद आप आ जाएंगे सेट पॉइंट्स पे। अब सेट पॉइंट्स क्या होता है, सेट पॉइंट्स आपको मैंने पहले भी बता रखा है, अगर आपके जो सेंसर्स होते हैं चिलर्स के अंदर वहाँ पर आपको सेट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, एक लिमिट की ज़रूरत होती है, जो कि आप ये सामने देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिक्विड या जो लिविंग चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर है उसका सेट पॉइंट देखने को मिल जाता है आपको। उसी के नीचे लिविंग चिल्ड लिक्विड टेम्परेचर साइकिलिंग का आप सिस्टम देख सकते हैं, शट डाउन लिमिट है, ऑफसेट लिमिट है या रीसेट लिमिट है,
करंट लिमिट सेट पॉइंट देखने को मिल जाती है परसेंटेज में, जैसे कि 95% यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जितने भी सेट पॉइंट्स अगर वो सेट करने हो वापस से, अगर नई लिमिट डालनी हो तो वो आप डाल सकते हैं, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस लेवल है उसको सर्विस मोड में डालना पड़ेगा, उसके लिए लॉगिन करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। यहाँ पर आप सेटअप वाला ऑप्शन देख सकते हैं, लोकल मोटर करंट लिमिट है, पुल डाउन डिमांड लिमिट है, उसके नीचे पुल डाउन डिमांड टाइम आपको देखने को मिल जाता है, तो और उसके नीचे 105% मोटर करंट टाइम देखने को मिलता है, रिमोट एनालॉग इनपुट रेंज देखने को मिल जाती है, नीचे प्रिंट आउट का ऑप्शन मिलता है, चेंज सेट पॉइंट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस लेआउट के अंदर देखने को मिलती है। वापस से होम पे क्लिक करना है और लास्ट ऑप्शन आपका बचता है हिस्ट्री का, और इसके अंदर जितने भी अलार्म्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर ये सामने दिख पा रहे होंगे कब किस टाइम पे कैसा अलार्म आया था, वो आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। बट जब कभी भी अगर आपका अलार्म आता है तो जो होम स्क्रीन जो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में दिखाई थी, वहाँ पर भी आपको अलार्म शो होता है, जहाँ पर आपका सिस्टम डिटेल लिखा आता है वहाँ पर आपको आपका जो अलार्म है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको प्रिंट हिस्ट्री या अगर आपको ये सब डाटा प्रिंट आउट करना हो तो उसका ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर किसी एक चीज़ को आपको डिटेल में समझना है या देखना है वो भी आप देख सकते हैं। नीचे आपको सॉफ्ट की मिल जाती है व्यू डिटेल्स की। तो हिस्ट्री वाले ऑप्शन में जैसे मैंने आपको बताया सारे अलार्म्स देखने को मिलते हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके सारी डिटेल्स को प्रिंट आउट करा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। अगर वैसे नॉर्मली तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर कहीं ज़रूरत पड़ती भी है तो आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के डिटेल्स पैरामीटर्स मैंने आपको डिस्प्ले के यॉर्क के बता दिए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको इसके बारे में जितनी भी डिटेल थी बेसिक लेवल की या ऑपरेशन लेवल की ऑपरेटिंग लेवल की सारी आपको दे दी है, जो आपको नॉर्मली एक चिलर को चलाते वक्त ध्यान में रखनी होती है और इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना होता है। तो ये सारे लेआउट और जो जितनी भी स्क्रीन थी यॉर्क चिलर में नॉर्मली देखने को जो मिलती है वो मैंने आपको बता दी है। अभी डिपेंड करती है यॉर्क के मॉडल पे और यॉर्क में जुड़ी अलग से एसेसरीज़ पे भी, क्योंकि कुछ कुछ लेआउट्स इसमें आपको और ज़्यादा भी देखने को मिलती हैं या एडवांस लेवल की देखने को मिलती है, और इसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मल एक्सेस लेवल से नहीं मिलती, यानी कि आपको लॉगिन करना पड़ता है, उसमें पासवर्ड लेना पड़ता है और उसके बाद आप उन चीज़ों को देख पाते हैं। ये मैंने जितना भी चीज़ आपको दिखाया था ये लोकल व्यू पे आपको देखा था, यानी कि जो नॉर्मल हर कोई लोग देख सकते हैं या ऑपरेटर देख सकते हैं उसी लेवल का मैंने आपको यहाँ पर बता दिया और दिखा भी दिया जितना भी था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। जितना भी डाटा पैरामीटर्स बचे हुए हैं वो आप PDF में जाके देख सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है नीचे जाइएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डेली क्यूजेस डालता हूँ, उसके साथ PDF प्रोवाइड करता हूँ, इमेजेस डालता हूँ। अगर आपको HVAC से रिलेटेड जितने भी इमेज हैं या आपको डाटा चाहिए तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी उस टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं यॉर्क चिलर के डिस्प्ले से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाइएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और सबसे पहले आप वो वीडियोज़ देख पाएँ। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।